बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप का मतलब है कि आइदर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, जो डेरिवेशन हुई हुई है इसकी, वो हुई हुई है आपके पास फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, आपने इसमें काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस यूज़ करनी है इनका रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए। ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस जो है मैंने आपको पिछली वीडियो के लेक्चर में बताया था कि क्या होती है, क्या होती है आपने बताना है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपने ये बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस की, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है बाय राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज़ करें तब भी इफेक्ट पड़ता है। अब क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको इससे पता चलेगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप से। तो आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज क्या कहती है, कहती है कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc²। ठीक है, आप एन छोटा भी लिख सकते हैं, आप बड़ा भी लिख सकते हैं। सी बार स्क्वेयर इज़ रूट मीन स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी, n इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, m इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, v इज़ वॉल्यूम, p इज़ प्रेशर। ठीक है, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पी वी इक्वल टू 1/3 mNc²। उसके बाद आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है आपके पास, वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 1/2 एम वी स्क्वायर भी लिखते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, आप इसको एम सी बार स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वही वेलोसिटी है, इसको आप सी बार स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है तो आप इसको सी बार स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है, आप लिखें अगेन वी आर कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को सामने लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि हमने काम इसके ऊपर करना है ना। ठीक हो गया, अच्छा जी, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mNc²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नाउ आपने इसकी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है जी, और ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की। आपने क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2। आपने 2 नंबर से इसकी राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब देखिए मैं करती हूँ उसको डिवाइड, पी वी इज़ इक्वल टू, क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, अंदर लिख दें आप 1/3 mNc²। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ऐसे रीअरेंज करना है इस राइट हैंड साइड को कि इसमें एक साइड पर आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये डेवलप हो जाए। ठीक है, ये बन जाए आपके पास एक साइड पे। ठीक है, अब मैं इसमें 1/2 इस इक्वेशन में से 1/2 mC² के अंदर कर लेती हूँ, बाकी क्या बचता है इसमें, ये वाली वैल्यू बाकी बचता है आपके पास 2/3 and n। ठीक है, 2/3 n बाहर ले आएँ आप और 1/2 जो है mC² उसको अंदर ले आएँ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होती है, तो आपने क्या करना है इसमें, नाउ पुट वैल्यू ऑफ 1/2 mC² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से आपने इस 1/2 mC² की वैल्यू पुट करनी है, विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी भी आप इसी जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ मैं साइड पे कर लेती हूँ। ठीक है, पी वी इज़ इक्वल टू क्या है आपके पास, 2/3 n था। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आपने वो वैल्यू पुट कर दी इसमें, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तो मैंने लिखी नहीं, चलें 4, 3 कर दें इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक हो गई आपके पास। उसके बाद आपने ये कहना है कि नाउ लेट n इज़ इक्वल टू na, जो n लिखा है आपने, लेट सपोज ये क्या है आपके पास, दिस इज़ एवोगैड्रोज नंबर है, ये आपके पास एवोगैड्रोज नंबर है। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ 1 मोल, एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको आप एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एन ए, चलो मैं लिख देती हूँ एवोगैड्रो नंबर। पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3
एन सबस्क्रिप्ट में ए एंड देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आप इसको दे दें इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब वन मोल ऑफ गैस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन अलग होती है आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल, आप लोग वन मोल के लिए नहीं ऊपर वाला भी, तो वन मोल के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो क्या होती है, वैसे आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन वन मोल के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वन, तो आप वो लिखते ही नहीं है, पी वी इज इक्वल टू आर टी हो गया, ठीक है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 5, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये भी पी वी की इक्वल है, और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये भी पी वी की इक्वल, यानी इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इफ़ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप इनकी राइट हैंड साइड्स को भी एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, आर टी इज़ इक्वल टू 2/3 एन ए और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है इसमें कि आर जो है ये कांस्टेंट है, इसको भी आप इस साइड पे ले आएँ, टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 2/3, 2 के साथ एन ए है, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, साथ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इस साइड पे हो जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब आपने बताना है कि एज़ 2NA/3R इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जब आपको पता होगा कि जब भी आप कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटाते हैं तो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी पता चल गया है, ठीक है। कहाँ गया जो रेड मार्कर, ये आपके पास है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता चल गया है क्या, इसमें ये सारी डेरिवेशन है आपके पास फॉर डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी, जिससे आपको ये पता चला है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका क्या कंक्लूजन निकाला है आपने, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि आप केल्विन टेम्परेचर जो है उससे काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन या जो उनकी मूवमेंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, इसी वजह से उनका मोशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास था रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर।